सपना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए उमेश सिंह की। राजपुर बलरामपुर में छठ महापर्व में व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ देकर पहला अर्घ दिया और सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ महापर्व का समापन किया। इस दौरान सामरीपुर विधायक चिंतामणि महाराज भी छठ घाट पहुंचे और माथा टेका। कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती सादगीपुर कांग्रेस भवन में मनाई। कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों ने इंदिरा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि इंदिरा गांधी कुशल नेतृत्व क्षमता वाली महिला थी। उन्हें दलितों और गरीबों के प्रति विशेष लगाव था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण करवाकर भारत को पूरे विश्व में शक्तिशाली देश के रूप में उन्होंने पहचान दिलवाई थी। इस दौरान सफीरा साहू, यशवर्धन राव, सतपाल शर्मा, अंगद त्रिपाठी, हनुमान द्विवेदी, ललिता राव समेत अन्य कांग्रेसी मौजूद थे। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें लाल शाह की। छठ का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। महापर्व के तीसरे दिन बैकुंठपुर समेत पूरे जिले में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। श्रद्धालुओं ने सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ दिया। छठ घाटों पर अस्त होते सूर्यदेव को अर्घ देने व्रतियों के साथ सैकड़ों श्रद्धालु जुटे। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ व्रत हुआ सम्पन्न। गड़ेलपारा के छठी मैया के भक्ति गीतों से आस्था की लहर देखने को मिली। छठ पर गड़ेलपारा में बनारस से आए पुरोहित ने माँ गंगा की आरती करते हुए छठ पर्व की बधाई दी। साथ ही जबलपुर से आए कलाकारों द्वारा श्री राधे कृष्ण नृत्य महादेव और माँ काली के रूप में डांस किया। इस दौरान शहर के बाल संगीतकारों ने छठ गीतों की मनमोहक प्रस्तुति भी दी। इसके अलावा देवी देवताओं की झांकी हुई। अगली खबर देखिए लाल शाह की कोंडागांव से। कोंडागांव के स्थानीय बंदा तालाब तट पर हर साल की तरह इस बार भी भोजपुरी संगम समाज द्वारा छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाया गया। नहाय खाय से शुरुआत होने वाली आस्था का ये पर्व समाज द्वारा छठी मैया पूजन का आयोजन बड़ी धूमधाम से करते हैं। छठ मैया के उपासकों द्वारा दो दिन पहले डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया और सोमवार को सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर चार दिवसीय छठ पूजा का समापन किया गया। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा में व्रतियों द्वारा जो भी उगते सूरज से मनोकामना मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। भोजपुरी संगम समाज समिति के द्वारा भजन जगराता का आयोजन किया गया और सुबह सूर्य देवता की पूजा अर्चना आरती की गई। साथ ही समिति द्वारा आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान प्रशासन द्वारा पुलिस व्यवस्था देखी गई। नगरपालिका द्वारा बंधा तालाब को पहले ही साफ कर दिया गया था। कोई अनहोनी ना हो इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने मोटर बोट की भी व्यवस्था की थी। मरवाही वनमंडल क्षेत्र में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों के विचरण से इलाकों में दहशत का माहौल है। बता दें कि तीन हाथियों के दल से बिछड़ा हाथी अंतरराज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के अनूपपुर से मरवाही वनमंडल क्षेत्र में पहुंचा है। मरवाही वनमंडल के सिवनी बीट एरिया के पोड़ी गांव में हाथी ने डेरा डाला है जो आए दिन किसानों के फसलों और घरों को नुकसान कर रहे हैं। हाथियों से सुरक्षा के लिए निगरानी और समझाइश में जुटी मरवाही वनमंडल के सुरक्षाकर्मी। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें लाल शाह की। रायगढ़ के लैलुंगा में राधा कृष्ण मंदिर के पीछे तालाब किनारे हर साल छठ पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। नहाय खाए से शुरुआत कर लौकी की सब्जी बनाकर खाने से व्रत का आयोजन बड़ी धूमधाम से करते हैं। छठव्रतियों द्वारा रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया और सोमवार को उगते सूरज को अर्घ देकर चार दिवसीय छठ पूजा का समापन किया गया। छठ पूजा में व्रतियों द्वारा जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। सेवा समिति के द्वारा सूर्य भगवान की पूजा अर्चना और आतिशबाजी भी की गई। प्रशासन द्वारा पुलिस व्यवस्था रही। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ये छठ पूजा तो हमारे पूर्वजों से चलते आ रहा है। फिलहाल हम लोग यहाँ कुछ साल से 8-10 साल से करते आ रहे हैं और ये दिवाली के 6 दिन बाद से शुरू हो जाता है। छठवें दिन हमारे यहाँ बीन बरुआ शुरू होता है। गेहूँ कुछ फिर लौकी भोजन होता है। फिर थर्ड दिन फिर निर्जल उपवास करके खीर भोजन करते हैं और फिर निर्जल उपवास एक दिन पूरा रहा जाता है हमारे यहाँ। उसके चौथे दिन पूरा ये उपवास टूटता है। इसका मान्यता अब हमारी सोच है। अब पता नहीं सबका तो हम नहीं जानते लेकिन हमारी सोच है कि हम जो भी मांगते हैं माँ छठी माँ से वो जरूर पूरा होता है और जो भी करते हैं उनकी भी यही मान्यता है कि इसमें पूरा ही होता है कह के, इसलिए हम ये सब व्रत करते हैं अपने घर की सुख शांति इच्छाएँ पूरी करने की। जी ये प्रकृति पूजा का पर्व है जिसमें सूर्य उगते सूर्य और डूबते सूर्य के पूजा किया जाता है। ये पिछले बहुत सालों से लैलुंगा में मनाया जाता है। यहाँ जो भोजपुरी समाज है वो वर्षों से जो यहाँ निवास कर रहे हैं वो लगातार पिछले कई वर्षों से छठ पूजा का पर्व मना रहे हैं। अब ये लोक आस्था का पर्व है। धीरे धीरे बहुत सारे लोग स्थानीय लोग भी इसमें भागीदारी निभा रहे हैं।
कार्यक्रम का छठ पूजा समिति द्वारा बढ़िया से लगातार पिछले 10-15 वर्षों से लगातार संगठित रूप से आयोजन किया जाता रहा है। ये 3 दिनों का उपवास रहता है, इसमें व्रती लगातार 3 दिन निर्जला उपवास करते हैं और अंतिम उगते सूर्य के को अर्घ्य देने के साथ इस उपवास की समाप्ति होती है। मैं 3 दिन का छठ पूजा का व्रत करती हूँ। नहा खा से शुरू करती हूँ। पहला दिन नहा खा है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरा दिन अर्घ्य दिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एन न्यूज़ टुडे के साथ।